दोस्तों ये है T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, वन ऑफ द चीपेस्ट एंड बेस्ट एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन, जिसको मैंने खरीदा था अमेजोन पे 650-650 रुपए का। लेकिन अभी इसका प्राइस काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुका है और अभी आपको ये 500-550 रुपए के अराउंड कहीं भी देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट पे। इस स्मार्ट वॉच के ऊपर मैंने पहला अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो दिया था ऑलमोस्ट आज से 4 महीने पहले, यानी कि 120 दिन पहले, और इसके वीडियो पे हो चुका है 1.7 मिलियन व्यूज। उसके लिए मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा। तो गाइस आज ना मैं इस स्मार्ट वॉच का लॉन्ग टर्म रिव्यू लेकर के आया हूं। इतने लंबे टाइम से इसे यूज कर रहा हूं, क्या क्या इसके अंदर मुझे अच्छा लगा है, क्या इसके अंदर कमी लगा है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा नाम हरिमेश, अगर आप चैनल पर नए आए हो ना सब्सक्राइब बटन को ठोक डालो और चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच कुछ इस तरीके के बॉक्स में देखने को मिल जाता है, काफी स्लीक सा आपको बॉक्स मिलता है और इसके अंदर आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। जैसे मैंने इसे ऑरेंज कलर में लिया था, येलो कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, काफी सारे कलर कॉम्बिनेशन पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पहले इसके प्रोस बताने वाला हूँ, क्या क्या इसके अंदर अच्छा लगा मुझे इतने दिन यूज करके, और उसके बाद इसके कॉन्स पे आएंगे कि इसके अंदर क्या क्या कुछ कमी लगा है इतने दिन यूज करके। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोस से। सबसे पहला प्रो है लुक्स एंड डिजाइन। इस स्मार्ट वॉच का कुछ लुक और डिजाइन मिल जाता है ना, काफी ज्यादा प्रीमियम है। अगर आप अपने किसी भी दोस्त को दिखाओगे ना तो वो कभी नहीं बोलेगा कि ये 500-600 रुपए का स्मार्ट वॉच है, एटलीस्ट 1000-1200 रुपए के रेंज का ये लगता है। क्योंकि इसके अंदर आपको जो स्ट्रैप मिलता है बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी का है, स्मूथ क्वालिटी का है, मेटलिक बकल मिल जाता है। स्मार्ट वॉच आपको बहुत ही कूल डिजाइन में मिल जाता है, यहाँ पे बेजल्स बहुत ही ज्यादा कम है, डिस्प्ले बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, बैक साइड में साइड लुक, बटन्स, हर चीज ना इसको एक बहुत ही प्रीमियम लुक यहाँ पे प्रोवाइड करता है। सेकंड प्रो पे आते हैं गाइस, इसके बिल्ड क्वालिटी पे। ये स्मार्ट वॉच फुल मेटलिक बिल्ड में आपको देखने को मिल जाएगा, ये साइड फ्रेम इसका फुल मेटल का बना हुआ है, तो इसको एक एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये स्मार्ट वॉच मेरे हाथ से कई बार ऐसे गिर चुका है पर अभी भी इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं आया है, ना ही इसका डिस्प्ले टूटा है, ना बैक पैनल टूटा है। तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। इसका स्ट्रैप भी अभी तक लूज नहीं हुआ या फिर कहीं से कटा वटा नहीं है, एज इट इज न्यू कंडीशन में आपको ये स्मार्ट वॉच देखने को मिल रहा होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रो जो है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, वो है ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके रखोगे तो आप स्मार्ट वॉच के थ्रू किसी के भी नंबर को यहाँ पे डायल करके कॉल कर सकते हो, और आपका अगर कोई कॉल आता है कॉल को रिसीव भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, और ये मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर लगा। और आपके एंड्रॉइड फोन के साथ भी कनेक्ट होगा और आईफोन के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, तो अगर आप दोनों यूजर हो ना तो कोई भी इसको खरीद के यूज कर सकता है। अगला जो बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर देखने को मिलता है ना गाइस, वो मिल जाता है आपको नोटिफिकेशंस का। जब आप इससे एप्लीकेशन से कनेक्ट करके रखोगे, हाईवॉच प्रो नाम के एप्लीकेशन से आपके एंड्रॉइड या आईओएस डिवाइस पे कनेक्ट होता है, फिर अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करता है, इंस्टाग्राम पे करता है, फेसबुक पे करता है, ट्विटर पे करता है, स्नैपचैट पे करता है, या फिर SMS आता है, सब कुछ इसके अंदर आपको यहाँ पे विजिबल हो पाता है। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड यहाँ पे ऐप के आइकन्स भी मिल जाते हैं, नीचे नीचे आप जैसे चलोगे ना यहाँ पे आपको फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर का यहाँ पे आपको आइकन्स देखने को मिल रहा है। एक फुल नोटिफिकेशन के लिए पेज भी है, तो जो भी आपको नोटिफिकेशन आएंगे ना वो आपके स्मार्ट वॉच पे रिसीव होंगे और आप यहीं से पढ़ सकते हो, आपको मोबाइल फोन निकालने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ काफी कूल फीचर इसके अंदर जो मिला है वो है क्राउन वर्किंग। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, पहले क्राउन वाला जो फीचर था ना 1000-1500-2000 रुपए के स्मार्ट वॉचेस पे मिलता था, बट अभी इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है कि आपको कम से कम प्राइसेस में भी काफी अच्छे स्मार्ट वॉचेस मिल जा रहे हैं, लाइक ये T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। तो क्राउन वर्किंग है जिससे आप यहाँ पे रोटेट करके वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, और अगर आप मेन्यू पे इसको स्क्रॉल करोगे तो इस तरीके से मेन्यू पे ऊपर नीचे आप जा पाओगे। तो इसके अंदर जो क्राउन बटन देखने को मिलता है ये प्रेस भी होता है और यहाँ पे इसका ये रोटेट भी होता है, और यहाँ से आप बहुत सारे मेन्यू स्टाइल्स को चेंज भी कर सकते हो। डबल प्रेस करके देखो यहाँ पे आपको 6 मेन्यू स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट काफी कूल प्रो जो इसके अंदर मुझे लगा वो इसके अंदर आपको एक गेम देखने को मिलता है, फाइटर पायलट। इसको जब आप खोलोगे ना यहाँ पे आपका एक प्लेन है और सामने से एनिमीज का प्लेन आ रहा है और आपको उसको फायर करके यहाँ पे मारना है। इस तरीके से आपको एक गेम मिल जाता है जिससे आपका अमेजिंग तरीके से टाइम पास हो जाता है। अगर आप बोर हो रहे हो तो इसके अंदर इस गेम का आप जरूर खेल सकते हो और अपना एंटरटेन रह सकते हो। अगला बेस्ट फीचर जो मुझे लगा है वो है कि इसके अंदर आपको कैलकुलेटर मिलता है। तो अगर आप मार्केट पे जा रहे हो, बहुत बार क्या होता है ना, अगर आपको सब्जी लेने चले गए हो या दुकान पे कुछ सामान लेने चले गए हो और आपको क्विकली कैलकुलेट करना है तो फोन आप निकाल के नहीं करना चाहते हो कि नहीं यार सामने वाला ना देख ले कि मैं क्या कर रहा हूँ, बोलेगा कि इतना बेसिक मैथ्स इसका कमजोर है, तो आप स्मार्ट वॉच के अंदर ना कैलकुलेटर ओपन कर सकते हो। इसके अंदर आपको कैलकुलेटर का फीचर देखने को मिल जाता है और जो भी आपके बेसिक डे टू डे छोटे मोटे कैलकुलेशन है ना वो आप अपने स्मार्ट वॉच के अंदर कर पाओगे, या फिर अगर आपका एग्जाम्स चल रहा है, कोचिंग है,
कॉलेज है, स्कूल है जहाँ पे स्मार्ट वॉच अलाउड है, तो कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, चीटिंग करने के लिए आप स्मार्ट वॉच को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रो लगा है, इसके अंदर आपको कस्टम वॉच फेस का फीचर मिलता है। वैसे तो इसके ऐप पे आपको बहुत सारे फ्री के वॉच फेसेस मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड करके लगा सकते हो, लेकिन आप खुद का भी फोटो अगर लगाना चाहोगे ना, तो खुद का भी फोटो को यहाँ पे आप वॉलपेपर पे लगा सकते हो। फुली कस्टमाइजेबल है, आप जो भी फोटो यहाँ पे लगाना चाहोगे सारे फोटोज लगा सकते हो। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना रखे, इसका फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके सारे वीडियोस चेकआउट कर लेना। तो आपको कस्टम वॉच फेस लगाना भी आ जाएगा, उस वाले वीडियो को जरूर देख लेना, यहाँ पे आई कार्ड में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा फीचर लगा गाइस मुझे, इसके अंदर आपको ना चेंजेबल स्ट्रैप मिलते हैं। तो मान लो अगर आप इस ऑरेंज स्ट्रैप से बोर हो गए हो, या फिर इसी स्मार्ट वॉच को आप फ्लॉन्ट करना चाहते हो दूसरे स्टाइल में, तो जैसे मैंने यहाँ पे पहन रखा है ये आप देख सकते हो अल्पाइन लूप स्ट्रैप, तो इसको मैं यहाँ पे इस पे लगा सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ये लग गया। इसी तरीके से अगर आपको मेटलिक स्ट्रैप पसंद है या ब्लैक कलर पसंद है, या फिर आपके पास कोई और भी स्ट्रैप है, तो उसको आसान तरीके से आप इस पे इस तरीके से फिट कर सकते हो। और फिट करने के बाद मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लुक और आने वाला है। इस तरीके से स्ट्रैप मैंने चेंज कर दिया और इसका लुक आपको और भी ज्यादा एक्सपेंसिव एंड प्रीमियम सा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बहुत ही तगड़ा प्रो इसके अंदर जो मिलता है कि ये स्मार्ट वॉच फुल्ली वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच है। इसके ऊपर मैंने 1.5 से 2 मिनट का वाटरप्रूफ टेस्ट कर रखा है, वीडियो बना रखा है चैनल पे, जिसमें मैंने इसको पूरा पानी में डुबा दिया था। निकालने के बाद ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, टच काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, इसके सारे बटन से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, इसका माइक्रोफोन, स्पीकर, चार्जिंग, हर कुछ यहाँ पे वर्क कर रहा है। इस स्मार्ट वॉच में कोई भी फॉल्ट देखने को नहीं मिला और ये स्मार्ट वॉच फुल वाटरप्रूफ टेस्ट को सर्वाइव कर चुका है और अभी तक फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो ये थे इसके कुछ प्रोज, अब आते हैं कुछ कॉन्स पर। कुछ कमी भी है इस स्मार्ट वॉच के ऊपर जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कॉन जो है ना, इस स्मार्ट वॉच के अंदर ना आपको बैटरी बैकअप उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। मतलब अगर आप इस तरीके से फुल चार्ज करके रखे हो और आप ना मोबाइल फोन से कनेक्ट करते हो, ना आप इस पे ब्लूटूथ कॉलिंग करते हो, ना आप इसमें ज्यादा गेम वेम खेलते हो, सिर्फ पहन के रख रहे हो वो स्टाइल मारने के लिए या सिर्फ टाइम देखने के लिए, तो आपका आसानी से 4 दिन तक ये जल जाता है, 4 से 5 दिन तक स्टैंड बाई। और बात करें अगर आप इसको बहुत हेवी यूज करते हैं, मोबाइल फोन से कनेक्ट करते हो, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं इसके अंदर, ब्लूटूथ कॉलिंग कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, तो आपको मैक्स टू मैक्स ना 1 दिन का बैटरी बैकअप इसके अंदर मिलता है। तो इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। अगर आप नॉर्मल यूज करोगे तो 4 दिन तक का आपको मैक्सिमम बैटरी बैकअप मिल जाता है। वहीं पे अगर आप 1200 के स्मार्ट वॉचेस लोगे ना, तो उसके अंदर आपको जो बैटरी बैकअप मिलता है यूजुअली 7 दिन से 10 दिन तक का देखने को मिलता है। सेकेंड जो कॉन मुझे इसके अंदर लगा ना, कि इसके अंदर जो आपको स्पीकर मिलता है ना, वो ज्यादा लाउड आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप आउटडोर पे हो, मान लो आप बाइक राइड कर रहे हो, या फिर आप कॉलेज पे हो जहाँ पे बहुत हल्ला उल्ला हो रहा है, तो वहां पे इसका जो स्पीकर आउटपुट है ना, अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग करोगे तो सामने वाला की आवाज सुनने के लिए आपको पूरे कान पे ऐसे सटाना पड़ेगा, पूरा कान पे। और अगर आप इंडोर पे हो, जैसे कि अभी मैं चुप हो जाता हूँ, अंदर में रूम पे हूँ अपने, ऐसे सिचुएशन में अगर आप बात करना चाहोगे या म्यूजिक आउटपुट लेना चाहोगे, तो आपको परफेक्ट तरीके से सुनाई देता है। थर्ड कॉन इसके अंदर है कि इसके अंदर आपको ना 24 आवर का टाइम फॉर्मेट देखने को मिलता है, कोई भी 12 आवर का टाइम फॉर्मेट देखने को नहीं मिलता है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने एक दे रखा है वीडियो में, कि अगर आप 12 बजे तक यूज करते हो डिजिटल वॉच फेस यूज करो, जैसे 12 बजे के पार हो गया यानी कि 1 बज गया, तो यहाँ पे आपको 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे टाइम शो करता है। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप यहाँ पे इसको चेंज कर दो वॉच फेस को, और आप यहाँ पे डिजिटल से कोई भी एनालॉग वाला वॉच फेस यहाँ पे ले आओ, और उसमें आपको टाइम देखने में आसानी होगी। लेकिन अगर इसके डिजिटल वॉच फेस पे भी एक टाइम फॉर्मेट देखने को मिलता ना 12 आवर का, तो ज्यादा अच्छा रहता। और लास्ट कौन जो मुझे लगा, इसके अंदर जो आपको जितने भी सेंसर्स मिलते हैं ना, लाइक ECG, SpO2, हार्ट रेट, इनके ऊपर बिल्कुल रिलाई मत करना, वो सारे सेंसर्स आपको फेक देखने को मिलते हैं। अब मैं ये सिर्फ कौन में इसलिए इंक्लूड किया ना, कि इसके अंदर क्या अच्छा है बुरा वो मैंने आपको बता दिया, और इससे मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 500-600 रुपए में सब चीज नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर सेंसर्स फेक भी दिए गए हैं ना, तो इससे मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती है, क्योंकि इस स्मार्टवॉच को कोई भी हेल्थ रिलेटेड नहीं लेने वाला है। जो भी लेगा, टशन झाड़ने के लिए लेगा, स्टाइल मारने के लिए लेगा, या नॉर्मल टाइम देखने के लिए लेगा, या फिर ट्रेंड पे चल रहा है तो लोग ले लेंगे कि हाँ चलो ट्रेंडिंग चीज है तो मैं भी पहनूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। बात करते हैं मेरा, अगर आप सजेशन मांगोगे तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है, 600-700 रुपए के रेंज के अंदर आपको एक अच्छा स्मार्ट वॉच चाहिए ना, तो आप डेफिनेटली T800 Ultra स्मार्ट वॉच को ले सकते हो। इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसे खरीद सकते हो। शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।